हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। एक बार फिर से मैं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एजुकेशन हब पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि हम इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से लगातार हिंदी व्याकरण की क्लासेस का अध्ययन कर रहे थे, और व्याकरण की क्लासेस के साथ साथ हमने इनसे पहले हमने काव्य शास्त्र और कुछ साहित्य के टॉपिकों के बारे में अध्ययन किया था। देखिए, हमारा जो ये टॉपिक चल रहा है वो रीड स्पेशल संधि का भाग चल रहा है, और आज हमारा जो संधि का 11वां भाग है उसकी मैं चर्चा कर रहा हूँ। जो मेरा संधि का जो लास्ट भाग था 10वां, जिसमें मैंने मै हलंत के जो नियम है उनकी बात की थी, आपको दिखाई दे रहे हैं इधर मै हलंत के कुछ उदाहरण। मैं करवाने को सीधे करवा सकता था, लेकिन यहाँ पर टाइम कम ना टाइम आपका कम खराब हो और आप यहाँ से सीधे क्या कर लो, उदाहरणों को हल कर लो। इसके बाद में हमारा जो अगला नियम है उसकी बात हम करने वाले हैं। एक बार फिर से मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ कि अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि बनने वाला वीडियो आपकी नोटिफिकेशन बार पर आए। और जैसे हमारे इस YouTube चैनल के माध्यम से अभी कुछ ही दिनों में साइंस की क्लास वो भी शुरू हो जाएगी, तो आपसे मैं आशा करूँगा कि आप उसे भी अच्छी तरीके से देखेंगे। देखिए, मेरे सामने है मै हलंत के कुछ उदाहरण, इनको मैं सबसे पहले हल कर रहा हूँ। आपको ये बताया था कि जब प्रथम शब्द के अंतिम में मै हलंत हो और उसके बाद में कोई भी पंचम हो, यानी क वर्ग का पाँचवा, च का पाँचवा, क च ट त प के पाँचों ही हो, तो आपको वही पंचम मै के स्थान पर वापस करना होता है। ये हमारा नियम नंबर एक था इसका। और नियम नंबर दूसरा क्या था कि मै हलंत के बाद में इन पंचम के अलावा कोई सा भी व्यंजन आए तो आपको मै हलंत का आपका अनुस्वार आपको परिवर्तन करना है। इसके बाद में मैंने आपको क्या कहा था कि अगर मै हलंत के बाद में अगर कोई भी स्वर आता है तो आप उसको क्या करते हो, उस स्वर को उस मै हलंत में जोड़कर नया शब्द बना देते हो। देखिए, इसी प्रकार से मैं आपको बता रहा हूँ कि मै हलंत के कुछ नियम हैं, कुछ उदाहरण हैं। आपको 25 उदाहरण यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले आप इनका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो और उसके बाद में आप उनको हल कर सकते हो। देखिए, सबसे पहले मैंने क्या कहा, मै हलंत है, उसके बाद में पंचम, यहाँ पर को पंचम का कोई भी उदाहरण नहीं है, तो यहाँ पर मै हलंत का एक बार देखेंगे तो अनुस्वार आपको परिवर्तन करना है। देखिए, संजीवनी। दूसरी बात, इन शब्दों में क्या परिवर्तन होता है इस मै इस अनुस्वार का, वो मैं आपको बता रहा हूँ। एक ही उदाहरण में बताऊँगा, बाकी आप अपने हिसाब से करते जाना। देखिए, इस मै अनुस्वार के बाद में यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको क से लेकर मै तक वर्ण आपको दिखाई दे, यानी क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग का कोई सा भी वर्ण आपको दिखाई दे तो अनुस्वार क्या करना है आपको, अनुस्वार का आप उसी वर्ग का पांचवा कर दोगे। देखिए, यहाँ पर जय है, इस ये कौन सा वर्ग है, च वर्ग है, उसका पांचवा क्या है, यह संजीवनी। इस प्रकार से यह भी शब्द आपके व्यवहारिकता में रूटीन में हो सकता है। इसी प्रकार से आपको क्या करना है, अलंकृति, इसका क्या करना है आपको, अलंकृति। और उसी प्रकार से आप इसको, ये दूसरा शब्द आप अपने हिसाब से बनाकर मुझे क्या करोगे, आप कमेंट बॉक्स में इनके उत्तर इस प्रकार से आप लिखोगे, इसका क्या बन जाएगा, अलंकार बन जाएगा। आपकी जो अनुस्वार लगनी है वो ये जो खड़ी पाई है उसके बिल्कुल जस्ट सामने या उसके ऊपर लगेगी, इसका क्या बन जाएगा, शुभंकर बन जाएगा। इसी प्रकार से इसका बन जाएगा किंकर, जो सेवक होता है, दास होता है, उसको किंकर कहा जाता है। परंतु का क्या बन जाएगा, परंतु बन जाएगा। इसी प्रकार से इसका क्या बन जाएगा, संधान बन जाएगा। सम प्लस यम, संयम। आपका सिर्फ और सिर्फ काम एक ही है, अगर पांचवा है तो आप वही पंचम लेके आओगे, नहीं तो आप अनुस्वार परिवर्तन करते जाइए सब में। और जहाँ पर भी इस दंत्य से पर अगर आपको अनुस्वार मिल रहा है, संधि पूछ रहा है, तो आपको व्यंजन संधि मै वाला नियम आपको करना होता है। संतुष्ट, इसका क्या हो जाएगा, संतुष्ट हो जाएगा। संतुष्ट तुष्ट को भी मैं अगला नियम है उसको तोड़ के बताऊंगा। यहाँ पर इसका जो संधि विच्छेद है वो क्या बनेगा, तुष प्लस में तय बनेगा। ये कैसे तय बना उसकी बात मैं अगले वीडियो में करने वाला हूँ। इसका क्या हो जाएगा, संताप हो जाएगा। इसी प्रकार से इसका क्या हो जाएगा, दंड हो जाएगा। दूसरे शब्दों में अगर बात करें तो दंड ऐसे भी लिखा जाता है। इसके बाद में इसका धनंजय का क्या हो जाएगा, धनंजय हो जाएगा। इस प्रकार से धुरंधर का हो जाएगा, धुरंधर, धुरंधर का धुरंधर हो जाएगा। इस प्रकार से मृत्युंजय, और शिव को मृत्युंजय कहा जाता है, इसका यह जो नया शब्द है बन जाएगा। आपको काम मै हलंत को आप अनुस्वार में बदलते जाओगे। संरक्षक का आपका जो नया शब्द है वो संरक्षक बन जाएगा। सम प्लस जा का मतलब संज्ञा बन जाएगा।
और सम प्लस आस का समास बन जाए। देखिए आपको ये उदाहरण है वो अलग से दिखाई दे रहा है, मैंने क्या कहा था मह हलंत के बाद में अगर आपको कोई भी स्वर आपको दिखाई देता है तो आपका काम क्या उस स्वर को इस मह हलंत में जोड़ दीजिए। सम प्लस आस समास, सम प्लस आचरण समाचरण, सम प्लस आचार समाचार हो जाएगा। इसी प्रकार से इसका देखिए क्या हो जाएगा, सम प्लस दी संधि इसका हो जाएगा, इसका भयम प्लस कर का हो जाएगा भयंकर, सम प्लस कलन का क्या हो जाएगा संकलन हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला देखिए तीर्थंकर का हो जाएगा तीर्थंकर, इस प्रकार से सम प्लस कर का हो जाएगा संकर, सम प्लस गठन का हो जाएगा संगठन और पम प्लस चम का हो जाएगा पंचम। देखिए ये मैंने फटाफट इसलिए किया कि आपका टाइम खराब ना हो, आपको इस प्रकार से दूसरे जो शब्द बनते हैं वर्गीय व्यंजन का कोई भी वर्ण यहाँ पर आया है तो आप उसका परिवर्तन करके मुझे कमेंट बॉक्स में 25 से आंसर आप ज़रूर दोगे। देखिए इसके बाद में मैं अगला नियम आपको बता रहा हूँ, ये तो था हमारा नियम नंबर दो। पहला नियम था हमारा अंक विधान का, आपको प्रथम शब्द के अंत में हलंत मिलते हैं तो आप अंक विधान पर जाते हो, 1 3 5 पर जाते हो। मैंने आपको ये कहा था कि मह हलंत को और सह हलंत को आपको छोड़ना है। और दूसरा नियम हमारा मह हलंत वाला था, और हमारा जो तीसरा नियम है वो कौन सा है, हमारा जो तीसरा नियम है वो है सह हलंत का नियम। देखिए इस सहलंत के नियम में क्या है, सहलंत के नियम में आपको दो तीन चीज़ें और देखनी है। सहलंत का जो नियम है इसके साथ साथ मैं आपको चार मात्राओं के बारे में और बता रहा हूँ, इसके साथ साथ इनका भी परिवर्तन इस सहलंत के जैसा ही होगा। अगर आपको ये पांच वर्ण मिले ई ई उ उ और स मिलता है, उसके बाद में अगर आपको तैवर्ग मिल रहा है, तैवर्ग का तात्पर्य है तय के छऊँ, तय थ ध ध ध न स, तैवर्ग का पहला, तैवर्ग का दूसरा, तैवर्ग का तीसरा, तैवर्ग का चौथा, तैवर्ग का पांचवा और तैवर्ग का छठा। अगर ऐसी कंडीशन बने कि प्रथम शब्द के अंत में ये पांच आए और द्वितीय शब्द के प्रारंभ में अगर ये छह आए, मात्रा आ सकती है इनके साथ, वो फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर आपका जो परिवर्तन करना है, जो परिवर्तन होने वाला है वो क्या होगा, देखिए जो नया शब्द बनकर जो परिवर्तन हमारे सामने होगा, जो संधि हमारे सामने होगी वो कौन सी होगी, देखिए अगर तय आया है तो उसका आप क्या कर दोगे, तय यानी तैवर्ग को आप तैवर्ग में परिवर्तन कर दोगे, यानी ये तैवर्ग है इसका परिवर्तन तैवर्ग हो जाएगा। पहला आया तो आपको पहला परिवर्तन करना है, अगर चौथा आया तो आप चौथा करोगे, छठा आया तो आप छठा कर दोगे। यहाँ पर मूर्धन्य सह करेंगे क्योंकि ये दंत्य लाइन है और ये मूर्धन्य लाइन है। मैंने आपको क्या कहा, सह हलंत का नियम क्या है कि प्रथम शब्द के अंत में ई ई उ उ और स आए, ये मूर्धन्य सह आए, तो जो नया शब्द है उसके बाद में अगर तयवर्ग आता है तो आपका जो परिवर्तन क्या है, हम जोड़ते टाइम आपको क्या करना है कि इस तयवर्ग का आपको तयवर्ग परिवर्तन करना है, पहला आपको ये काम करना है। देखिए इसके साथ साथ मैं दूसरी बात आपको और बता दूँ, अगर लगातार इस प्रकार से हो, यानी तय तय आ गया और उसके बाद में थय आ जाता है, इनके बीच में अगर स्वर आ जाता है तो ये जो परिवर्तन है वो रुक जाता है, लेकिन इनके बीच में अगर स्वर न आए और लगातार इस प्रकार से ये आ रहे हैं तो आप लगातार इनका परिवर्तन इस शब्द में करते जाओगे, हम उदाहरणों के माध्यम से समझ लेंगे। नियम हमारा क्या है, नियम नंबर तीन है, ये जो है वो नियम नंबर तीन है, आप लिखने को लिख सकते हो प्रथम शब्द के अंत में ई ई उ उ और स आए तथा द्वितीय शब्द के प्रारंभ में तयवर्ग तय थ द ध न स आए, तो संधि करते समय तयवर्ग का परिवर्तन तयवर्ग तय ठ ड ढ ण स हो जाता है। अगर आवृत्ति तयवर्ग की लगातार हो रही है तो आप लगातार उसका परिवर्तन, देखिए हमारा जो ये परिवर्तन है, इस परिवर्तन के कुछ उदाहरण हमारे सामने हैं, इनको मैं हल कर रहा हूँ। देखिए आपको क्या कहा, प्रथम शब्द के अंत में आपको ये पांच वर्ण देखने हैं और आपको द्वितीय शब्द के प्रारंभ में आपको तयवर्ग के ये छह देखने हैं।
अगर आपको ये पांच मिल रहे, अगर इनमें से मिल रहा है तो आपको परिवर्तन क्या करना है, जोड़ते टाइम आपका परिवर्तन ये हो जाएगा। देखिए आपका, देखिए प्रथम शब्द के अंत में ये रहा स, आपका जो काम है वो स मिल गया, और उसके बाद में आप इसके पास जाओगे, यहाँ पर देखिए तैवरक का छठा मिल रहा है न, तो आप तैवरक का इसका परिवर्तन क्या कर दोगे, अण कर दोगे, और इसका जो नया शब्द है वो क्या बन जाएगा, कृष्ण बन जाएगा। आपको पहले के अंत में कोई परिवर्तन नहीं करना है, परिवर्तन करना है आपको केवल द्वितीय शब्द के प्रारंभ में। इस प्रकार से आपको नू मिल रहा है तो आपका क्या क्या है, अणु कर दोगे, और जो नया शब्द है वो क्या बन जाएगा, विष्णु बन जाता है। इसी प्रकार से देखिए आक प्लस क्रिस से आ गया तय का, आप क्या कर दोगे, टय कर दोगे, जो नया शब्द है वो आकृष्ट होता है, आकृष्ट नहीं होता, आकृष्ट ठ लगा होता हो, यहाँ पर ये ठ लगा हो तो अशुद्ध है, वास्तव में इसका क्या होगा, आकृष्ट होगा। सु प्लस मा ऊ की मात्रा है ये रही, और उसके बाद में स, ये वाला स इसका परिवर्तन आप ये कर दोगे तो इसका जो नया शब्द है वो क्या बन जाएगा, सुषमा बन जाएगा। परिवर्तन मैंने क्या कहा, आपको द्वितीय शब्द के प्रारंभिक वर्ण पर करना है, अगर लगातार अगर तैवर की आवृत्ति हो रही है तो आप लगातार परिवर्तन करोगे, अगर आवृत्ति एक ही बार हो रही तो आप एक बार करोगे। उत्त प्लस कृष्ट का क्या हो जाएगा, उत्कृष्ट हो जाएगा। पुष प्लस टी का क्या हो जाएगा, पुष्टि हो जाएगा। छोटी मात्रा है तो आपको छोटी मात्रा लगानी है, जो द्वितीय शब्द में मात्रा है उस मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। उसके साथ साथ क्या करना है आपको, सृष्टि। इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर एक की मात्रा, यहाँ पर स है, एक की मात्रा और ये रस है, आप परिवर्तन करते जाओगे इसका, निषेध, इसका क्या हो जाएगा, निषेध। ज़्यादा टाइम ना खराब करते हुए देखिए, ये जिस मैं लगातार आवृत्ति की बात कर रहा था वो उस उदाहरण में है, एक ही मात्रा है, यहाँ पर श है, ये रहा था, लेकिन इसके बीच में स्वर नहीं है, और यहाँ पर क्या बैठा है, दूसरा बैठा, तो आप यहाँ पर क्या परिवर्तन करो, इसका सह कर दोगे, इस ठ का आप ये ठ कर दोगे, और इसके आगे जो स्वर है वो स्वर लगा दो, नया शब्द क्या बन जाएगा, प्रतिष्ठा बन जाता है। इस प्रकार से आपको लगातार परिवर्तन भी करना है अगर बीच में स्वर नहीं है तो। इसी प्रकार से इसका क्या हो जाएगा, प्रतिष्ठापन, क्योंकि यहाँ पर दो बार आवृत्ति हो रही है इस तैवर की, तो आप दो बार इसमें परिवर्तन करोगे, इस इधर भी दो बार आवृत्ति हो रही है तो आप इधर भी दो बार परिवर्तन करोगे, और जो नया शब्द है वो क्या बन जाएगा, अधिष्ठाता। और इसका देखिए अभी प्लस सह है, इसका आप ये परिवर्तन कर दोगे और जो नया शब्द बनेगा वो क्या बन जाएगा, अभिषेक। निष् प्लस स्नात का क्या हो जाएगा, सह है, इसके बाद लगातार न आ रहा है और न का नया आप परिवर्तन कर दोगे, सह का ये कर दोगे, ये कर दोगे आप निष्णांत। इस प्रकार से आपका जो ये दूसरा नियम है, कितने भी ऐसे उदाहरण मिले आपको केवल ये देखना है, इसके बाद में ये देखना है, और आप परिवर्तन करते इसमें टैबर का इसका परिवर्तन है करने वाले। इसी प्रकार से आप देखिए ऊ की मात्रा ये रही, ऊ के बाद में दोबारा से सह आया है तो आप इस सह में परिवर्तन कर दोगे, सुषुप्त। अनुप्लस्थान वही वापस दोबारा दो बार आवृत्ति आ रही है तो इसका क्या हो जाएगा, अनुष्ठान, क्योंकि पहले सह परिवर्तन हो उसका तय का ये ठय परिवर्तन हो जाता है। इस प्रकार से अनुप्लस संग का क्या बन जाएगा, अनुषंग बन जाएगा। इसका क्या बन जाएगा, सुस्मिता, एक ही परिवर्तन है आप सह का दंत्य सह का मूर्धन्य सह में परिवर्तन कर देते हो। परिषद, इसका क्या बन जाएगा, मूर्धन्य सह परिषद। वी प्लस सम का मूर्धन्य सह परिवर्तन करना है, विषम बन जाएगा, और इसका क्या बन जाएगा, विषाद। इस प्रकार से कितने ही उदाहरण आप इस नियम से करिए आपके बिल्कुल सही होने वाले हैं। केवल और केवल आप संधि करते समय ये ध्यान रखोगे, क्या ये मात्राएं आई है, ये मात्राएं आने के बाद में क्या ये आ रहे हैं, अगर ये आ रहे हैं तो आप इस नियम से बहुत सारे आप उदाहरण कर सकते हो। कैसा लगा आपको ये वीडियो, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में जाकर बताओगे। इसके कुछ और उदाहरण कल मैं 20-25 उदाहरण पहले लेके आऊँगा, उनको हल करने के बाद में हमारा जो नेक्स्ट नियम है चौथा नियम, उस चौथे नियम की बात मैं करने वाला हूँ, और हमारा जो पाँचवा नियम है व्यंजन संधि का लास्ट नियम होगा। मैं गारंटी देता हूँ अगर इन संधि का कोई भी क्वेश्चन आता है तो जो मैंने करवाई है उससे कोई भी बाहर नहीं जाने वाला है, ये मैं बिल्कुल दावा करता हूँ। आज के लिए इतना ही।